ओम, जिसका कबाला के साथ संबंध है। राफेल पटाई अपनी पुस्तक द यहूदी माइंड में बताते हैं कि तंत्र और कबाला के बीच समानताएं वहां इस विचार का समर्थन करते हैं कि कब्रिस्तानियों और तांत्रिक्स के बीच संचार होता था, जिसकी वजह से इसे ओम का ही एक रूपांतरण माना गया है। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जो 786 से रिलेटेड है। बहुत सारे YouTube चैनल में आप देख सकते हैं कि 786 का मतलब ओम बताता है, 786 का मतलब कुछ और बताता है। आज उसकी हकीकत हम आपके सामने रखेंगे कि 786 का असल जो है वो है क्या चीज़। आइए, पहले तीन भाई यहाँ मौजूद है, इन तीनों भाई से पहले पूछ के देखते हैं, बता देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बताते हैं तो इसको हम गहराई से चेक करके आपके सामने रखूंगा कि 786 की हकीकत क्या है। ठीक है, एक भाई सामने मौजूद है, आपका नाम? इनायत हुसैन। इनायत हुसैन, आपने देखा होगा कि मुसलमान का जो गाड़ी है, ट्रक है या मोटरसाइकिल है, जो भी है, आगे पीछे 786 लगा के चलते हैं। कुछ लोग तो नोटों पे 786 अगर मिल जाता है तो उसको बरकत के लिए रख लेता है अपने पास। तो क्या ये कहाँ तक सही है? ये 786 का क्या मकसद है, क्या माना है इसका? इसका माने बिस्मिल्लाह है। ये कैसे पता? ये पता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब होता है 786। अगर कोई आपको पूछे कि इसको समझाओ तो किस तरह समझाओगे उसको? उसको फिर बिस्मिल्लाह हर के समझाना पड़ेगा, जोर के। जोर के समझाओगे? हाँ। तो आप बिल्कुल कन्फर्म के साथ ये बता रहे हैं कि ये बिस्मिल्लाह का माना 786 है? अभी तो मैं कन्फर्म बता रहा हूँ, इसका मतलब 786 का मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद क़यामुद्दीन अशरफी। क़यामुद्दीन, आपने देखा है, यही सवाल मैंने किया कि गाड़ी में, मोटरसाइकिल में या नोटों पे या फिर और मोबाइल नंबर जो 786 का होता है, इसमें आदमी शौक से पैसा ज़्यादा दे करके ख़रीदते हैं, तो यह 786 की जो हकीकत है वो क्या है, आप बता सकते हैं इसके बारे? 786 की हकीकत तो यही है जो अदद के हिसाब से, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो जितने हरूफ हैं हरूफ के हिसाब से भी जोड़ा जाए तो ये 786 बनता है। हरूफ के हिसाब से 786 बनता है जी। कैसे, थोड़ा बताएंगे हम? हरूफ का आदत निकालेंगे, जैसे बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल्लाह में 7 आ गया, 7 हरूफ आ गया। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसमें हिर रहमानिर 8 हरूफ आ गया, रहीम में बिस्मिल्लाहिर रहमान। कैसे, थोड़ा कलम लीजिए, आप जोड़ के बताइए कैमरा से, देखिए। हाँ बताइए। नीचे पहला हरूफ है बा, उसके बाद है सीन, दो हरूफ हो गया, उसके बाद मीम, तीन, उसके अलीफ, चार, लाम, पांच, फिर लाम, छः, और ये हा, 7 हरूफ हो गया। तो 7 में 700 इसको जोड़ लेते हैं। हाँ, उसके बाद आगे आ जाइए, अलीफ लाम पे आ जाइए, अलीफ और लाम, उसके बाद रा, तो कितना हरूफ हो गया? 3। उसके बाद हा है, 4, मीम है, 5, मीम पे जो खड़ा ज़बर आता है अलीफ का, ये मात्रा देता है ये, तो कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये नून, 7, 7 और एक अलीफ, 8, तो ये 700 हो गया, और ये 8। हाँ, उसके बाद आ गया, यहाँ आ जाइए आप, अली लाम और रा, दो रा जोड़ना पड़ेगा यहाँ, हिर रा, हिर रा, दो रा नहीं है, या तशदीद आ रहा है ना, दो बार पढ़ा जा रहा है। अच्छा, पढ़ा जा रहा है दो बार, आने, हाँ चलो, तो ए, हाँ, 1, 2, 3, रा, हा या मीम, गड़बड़ी हो रही है तो पांच हो रहा है, समाधान होगा किसी तरह, कहीं गड़बड़ी हो रही है। इसका तो आपका कहने का मतलब है कि इसमें आदत के हिसाब से, हाँ, इसमें, हाँ, बनता है आदत के हिसाब से बनता, मतलब मेरे समझ यही है जो आदत के हिसाब से, मतलब ज़्यादातर आदमी बोलते हैं जो आदत के हिसाब से, इसको बोलते हैं 786। ठीक है, आपने आदत के हिसाब से बताया। एक भाई और भी है, इससे भी हम पूछ के देखते हैं ये क्या बता रहा है।
आप सबको पता है कि मुसलमान जो गाड़ी खरीदते हैं तो उसके आगे पीछे 786 लिखते हैं, और नोटों पे भी 786 मिल जाता है तो वो बरकत के लिए रख देता है, तो ये हकीकत इनकी क्या है, बता सकते हैं इसके बारे? हकीकत यही है जो इसमें जो है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जितने भी अदद आते हैं वो अगर जोड़ा जाए तो 786 बनते हैं। लेकिन YouTube में अगर सर्च किया जाए तो उसमें बहुत सारे ऐसे जो चैनल पे मिल जाएंगे जो 786 का माना बताते हैं कि ओम होता है, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है, और कोई भी अगर YouTube में बताते हैं तो किताब के हवाले से नहीं बताते हैं, वो दिमाग में जिस तरह का बैठा हुआ है उसी तरह से बताते हैं, तो इसका दलील देने के लिए आपको किताब में ही जाना पड़ेगा। अच्छा, किताबों में यानी कि ये सारी बातें मौजूद हैं? जी बिल्कुल, ये किताबों में सारी बातें मौजूद है, आप किताब खोल के देख सकते हैं कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है ये। चलो, इस भाई का कहना है कि किताबों में ये सारी बातें ठीक है, वैसे मैं किताबों का जो मुताला किया है उसमें भी ये बातें मिली मुझे कि 786 की हकीकत क्या है, उसको समझने के लिए आइए मैं आपके सामने। तो किताब भाई साहब ने अभी कहा कि किताबों में ये मौजूद है, तो मैं किताब में सर्च किया, किताबों का मुताला किया तो मुझे ये बातें मिली कि 786 जो है तो उसका हकीकत क्या है। मैं इसीलिए आपके सामने प्रूफ के तौर पे दिखाना चाहता हूँ कि 786 का असल वजह क्या है और 786 है क्या चीज़। ठीक है, यह किताब जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस किताब का नाम है शमए सबिस्तान रज़ा। ठीक है, यह किताब शायद जो है तो बरेली से छपी है, समय सबिस्तान रज़ा नाम है, यह बरेली ही से छपी है। ठीक है, इस किताब का पेज नंबर आपको मिलेगा 159, यहाँ देख लो 159 पेज नंबर है, और यह शायद जो है तो बाब नंबर 2 है, यानी कि दूसरा हिस्सा में यह मौजूद है। ठीक है, अब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि यह 786 की जो मतलब है 786 का वो क्या चीज़ है। ठीक है, आइए दिखा रहा हूँ, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। अब इसमें देखो कि बा सीन मीम अलिफ डबल लाम हा अलिफ लाम रा हा मीम नू अलिफ लाम हा रा हा या मीम। ठीक है, ये हरूफ है, इतने हरूफ इसमें आते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, जैसा कि अलिफ, अलिफ का एक अदद है, बा का 2, जीम का 3, दाल का 4, हा का 5, वाव का 6, ज़ा का 7, तो इसमें अदद दिया हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इसमें अदद दिया हुआ है। अब यहाँ हम अदद को यहाँ अकाउंट करेंगे तो पता चलेगा क्या है इसका हकीकत। ये जैसा कि बा है, बा में यहाँ 2 दिखा रहा है, ठीक है, हम 2 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ सीन है, सीन में 60 है, 60 लिख देते हैं यहाँ। उसके बाद मीम है, मीम में आप 40 लिख देते हैं। ठीक है, मीम में 40 है, मीम में 40 है। ठीक है, उसके बाद अलिफ, अलिफ में 1, लाम में कितना है यहाँ देख लो, लाम में 30 है। ठीक है, लाम में 30 है, तो ये दोनों लाम में 30-30 आएगा। ठीक है, उसके बाद हा है, हा में 5 है। ठीक है, 5 है। उसके बाद अलिफ, अलिफ में 1, लाम में 30। ठीक है, ये मैंने 2 जगह है इसीलिए लिखते हैं, आपको भी दिक्कत होगा, मैं लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, 30 है। उसके बाद रा, रा में यहाँ देख लो 200 है। ठीक है, 200 रा में है। उसके बाद हा है, बड़ी हा, बड़ी हा में आप देख सकते हैं 8 है यहाँ पे। ठीक है, 8 दे देते हैं। उसके बाद नून है, नून में आप देखो 50 है। ठीक है, उसके बाद आप अलिफ, अलिफ में 1, लाम में यहाँ देख लो, लाम में 30 दिया, लाम में 30 ही आएगा फिर। ठीक है, उसके बाद रा, रा में कितना है यहाँ 200। ठीक है, 200 यहाँ मैंने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हा, हा में 8 है। ठीक है, या में 10 है, यहाँ कहाँ है, या में 10 है। ठीक है, उसके बाद मीम, मीम में मैंने यहाँ दिया 40, यहाँ 40 है। अब इसको अकाउंट करेंगे कि ये टोटल होता कितना है। ठीक है, आपके सामने लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, आपके सामने ये किताब मौजूद है, ये किताब क्या है यहाँ देख सकते हैं, समय सबिस्तान रज़ा है, ये देखिए आप। ठीक है, हिस्सा 2 है, बाब नंबर 2 है, हिस्सा 2 है ये। ठीक है, इसका सफ़ा नंबर देख लो 159, ये सफ़ा नंबर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन किया हुआ।
अब मैं इसको अकाउंट करके आपको बता रहा हूँ कि ये 786 बनता है या नहीं, क्योंकि YouTube में देखा जाता है तो बहुत कुछ ये बताते हैं कि ये 786 का मतलब ओम होता है, हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसी के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ कि 786 का हकीकत असल में क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं अकाउंट कर रहा हूँ, जैसा कि 2 हो गया, ठीक, 60 हो गया, उसके बाद 40 हो गया, 30 दुना 60 हो गया, ठीक है, उसके बाद 5 हो गया, हाँ 1, ठीक है, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद फिर 1 हुआ, 30 हुआ, 200 हुआ, 8 हुआ, 8 कहाँ गया, देख कहाँ से हुआ, हाँ 8 हो गया, ठीक है, 40 हुआ, उसके बाद 50 हुआ, 40, 50, उसके बाद 1, उसके बाद 30, उसके बाद 200, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 40। ये देखो आपके सामने मैंने जोड़ा है, ये कितना बन रहा है, यहाँ देख सकते हैं 786, ठीक है। आपके सामने मैं प्रूफ के साथ दिखाया, ये देखो ये टोटल हरूफ का ये अदद है, नीचे वाला ये हरूफ है, ये अदद को मैंने जब अकाउंट किया तो ये कितना बना, 786। तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये 786 का मतलब जो है तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। अच्छा, ये 786 बनाया क्यों गया, आखिर किस वजह से इसको राइट किया गया, इसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। असल में होता क्या है कि आदमी जब तावीज़ लेता है ना, तो उस तावीज़ को पहन करके बाथरूम में चले जाते हैं, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये समझ लो कुरान का एक हिस्सा है, ठीक है। अब अगर कुरान का एक हिस्से को बाथरूम में लेके जाएंगे नापाक जगह में, तो इसकी बेहुरमती होगी, ठीक है। इसीलिए उलमाए किराम इसका अदद निकाला, इस अदद को निकाला। अब ये अगर आप किसी भी कागज़ में 786 लिखा हुआ है, वो अगर ज़मीन पर पड़ा हुआ है, तो ये बेहुरमती से महफूज है, क्योंकि ये 786 है बिस्मिल्लाह। जिस तरह आप नमाज़ पढ़ते हैं, तो नमाज में आप जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान की आयत है ना, अब अल्हम्दो के बजाय अगर कोई ये कहे कि तमाम तारीफ़ साबित है अल्लाह के लिए रहमान रहीम और अल्लाह बहुत, तो कोई ये नहीं कह सकता कि तमाम तारीफ़ साबित है अल्लाह के लिए और अल्लाह बहुत रहमान भी है रहीम भी है, ऐसा पढ़ के कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। नमाज के लिए उसके ऊपर ज़रूरी है कि वो कुरान ही की तिलावत करे, ठीक है, उसका माना ना बयान करे। माना अलग चीज़ है, कुरान अलग चीज़ है, उसी तरह यह बिस्मिल्लाह अलग चीज़ है और ये जो उसका अदद है ये अलग चीज़ है। अगर ये आदत ज़मीन पे गिरा हुआ रहेगा, कोई पैर भी दे देगा तो इसमें उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि अक्सर YouTube में देखा गया है कि 786 का माना ओम बताता है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि 786 का असल माना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, और पुराने हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट में जाके बता सकते हैं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, शुक्रिया।